हेलो कार्नोट इंजन क्या है? ये कौन सा इंजन होता है भैया? रिवर्सिबल इंजन, जो रिवर्सिबल प्रोसेस पढ़ा ना हमने उसी में इसको पढ़ते हैं। रिवर्सिबल, रिवर्सिबल हीट इंजन, ठीक है। जो रिवर्सिबल हीट इंजन होता है उसी को हम क्या कहते हैं भैया? कार्नोट इंजन कहते हैं। नॉट एग्जिस्ट, नॉट आउट ऑफ सिलेबस। क्या? ठीक है, देखिए भैया सुन लीजिए। ठीक है भैया, आउट ऑफ सिलेबस टॉपिक है ये, लेकिन कराने का एक ही पर्पस है क्योंकि इसमें सारी चीजें आपकी रिवाइज रहेंगी, ठीक है। रिवर्सिबल हीट इंजन को और नॉट एग्जिस्ट नहीं करता ये, ठीक है, आउट ऑफ सिलेबस है। देखिए ये कुछ इस तरीके का होता है, ठीक है। चुराने डायग्राम बन रहा है इसका। स्क्वायर नहीं बना ना, मुझे मत सिखा साले। ठीक है, ठीक देखिए भैया, इंसुलेटिंग वॉल है ये आपकी, ठीक है, या नॉन कंडक्टिंग, नॉन कंडक्टिंग है ये, क्या है? कंडक्टिंग पिस्टन है, कंडक्टिंग बेस है, ठीक है। एक मिनट, ये से मतलब अच्छे लग रहे हैं ये। ठीक है, देखो यह है नॉन कंडक्टिंग वॉल, ठीक है। ये पिस्टन भी क्या है? नॉन कंडक्टिंग, फ्रिक्शन लेस, फ्रिक्शन लेस पिस्टन, ठीक है। जो पिस्टन है ये नॉन कंडक्टिंग है, साथ साथ में फ्रिक्शन लेस भी है। ये क्या है? कंडक्टिंग बेस। ये है आपका सोर्स एट टेम्परेचर T1, थर्मल हीट कैपेसिटी जो इसकी, थर्मल हीट कैपेसिटी क्या है इसकी? इनफाइनाइट है। क्या है? इसे कहते हैं इंसुलेटिंग पैड।
इंसुलेटिंग पैड है, ठीक है, और ये है आपका सिंक, क्या है ये, हाइयर टेम्परेचर पर होता है, एट हाइयर टेम्परेचर, और एक इस पे होता है एट लोअर टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या होता है इसका, T2। थर्मल हीट कैपेसिटी क्या होती है, थर्मल हीट कैपेसिटी इसकी भी क्या होती है, इनफाइनाइट होती है, मतलब इसको यहां से हीट ली जाती है सोर्स से और यहां पर हीट छोड़ी जाती है, ठीक है, यहां से हीट, यहां से हीट ली जाती है, ली कैसे लेते हैं, ली जाती है और यहां से हीट, यहां से हीट, यहां पे हीट छोड़ी जाती है, यहां पे हीट छोड़ी जाती है, पता होगा ये तो, है ना, ये पुरानी बात है, ठीक है, ये कार्नोट इंजन बन गया, ये रिवर्सिबल हीट इंजन होता है, अभी पता लग जाएगा रिवर्सिबल हीट इंजन क्यों है, क्योंकि जिस स्टेट रिवर्सिबल, क्या कहते हैं, अगर मैं रिवर्सिबल, याद है ना डेफिनेशन, कि वापसी अगर उसी पॉइंट पर आ जाऊं तो सब कुछ क्या मिलेगा मुझे, सेम मिलने वाला है ना, इसलिए इसको रिवर्सिबल हीट इंजन कहते हैं, ठीक है। अब देखो इसमें, अच्छा यहाँ पर काम क्या है, इसका काम क्या, देखिए आउट ऑफ सिलेबस है तो इसलिए मैं ऐसे करा रहा हूँ कि आपको याद है, ठीक है, इसका काम है, अगर ये, अगर ये पैड, ये पैड, ये पैड बेस के नीचे रख देंगे, बेस के, सिलेंडर के बेस, ये बेस है, ठीक है, बेस के नीचे, नीचे से लिखते ना, सही था, बड़ी। नीचे रखेंगे तो, रखेंगे तो बेस नॉन कंडक्टिंग हो, कंडक्टिंग हो और जाए, ठीक है, मतलब अगर ये पैड ने इस बेस के नीचे रख दिया ना, तो जो कंडक्टिंग बेस है क्या बन जाएगा, नॉन कंडक्टिंग, मतलब तब हीट का लेन देन ये पूरा सिलेंडर बाकी हर जगह पर से क्या है, नॉन कंडक्टिंग है, केवल कहां से कंडक्टिंग है, ये बेस से कंडक्टिंग, समझ गया, अब हम कर रहे जा रहे भैया पूरा प्रोसेस, ठीक है, इसमें चार स्टेप होते हैं, इसमें क्या है, आइडियल गैस है, क्या है ये, आइडियल गैस, क्योंकि हम क्या ले रहे भैया, कार्नोट साइकिल, रिवर्सिबल प्रोसेस, रिवर्सिबल प्रोसेस रियल गैस के साथ पॉसिबल नहीं है, आइडियल गैस के साथ है, ठीक है। तो स्टेप फर्स्ट, स्टेप फर्स्ट, पहले स्टेप में क्या करना है, पहला स्टेप करना मुझे, अच्छा चलो पहले डायग्राम बनाया तो मैं आपको डायग्राम बना दूंगा, तो उसके बाद ज्यादा से फिर उसके बाद डेरिवेशन स्टार्ट करेंगे इसके, ठीक है, बहुत लंबी चौड़ी डेरिवेशन अगर करोगे तो टाइम लगेगा, लेकिन समझ में आ जाएगी चीजें, जितना आपने अब तक कर रखा है वो सब समझ में आ जाएगा। ये है प्रेशर, अरे ये इतना ही नहीं आ रहा, ठीक है, ये है प्रेशर और ये है वॉल्यूम, ठीक है बेटा, सबसे पहले हम ए पॉइंट पर थे, कहां पे थे, यहाँ का प्रेशर पे वन, पी वन, वॉल्यूम वी वन, टेम्परेचर टी वन, ठीक है, और हम कर रहे हैं पहले, सबसे पहले जो करने आ रहे हैं वो है मेरा आइसोथर्मल एक्सपेंशन, क्या है, पहले बातें सुन लीजिए, आइसोथर्मल में क्या क्या होता है अंशिका, आइसोथर्मल एक्सपेंशन में क्या क्या होता है बता भाई, अभी नो,
नहीं पता, नहीं पता, आइसोथर्मल एक्सपेंशन। नहीं पता, बोल दे हाँ या ना, जाते नहीं पता। आ जा, आ गया, जा आ गया, जा आ गया, जा जल्दी, टाइम मत खराब कर मेरा। तेरे को पता है आयुष? अच्छा आ जा, तू 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 आ गया, जा तू आ जा। बताते रहे, टेम्परेचर, वॉल्यूम बढ़ेगा घटेगा, वेरिएबल तो है, एक्सपेंशन हो रहा है, हीट लॉस या गेन? लॉस। आ जा, नहीं, वो दो ही चीज थी, लॉस या गेन, तो आ जा बेटा। ऐसे करो तो मुझे दुख होता है तुम्हें मारते हुए। बैठे बैठे आ जा, यहीं बैठेगा ताकि दोबारा पूछो ना। हीट लॉस कैसे तूने बोला था? तुक्के में, अक्कड़ बक्कड़ साले, बैठ गया। हीट क्या होता है? गेन होता है, बड़ा सिंपल बता रहा हूं। देखो मैंने बोला आइसोथर्मल एक्सपेंशन, एक्सपेंशन हो रहा है, क्या हो रहा है? एक्सपेंशन हो रहा है, आइसोथर्मल हो रहा है, मतलब टेम्परेचर वही रहेगा, टेम्परेचर वॉल्यूम बढ़ रहा है। अगर हीट नहीं चेंज होगी तो हीट उतनी फैलेगी, जब हीट बड़े वॉल्यूम में फैलती है, फिक्स हीट बड़े वॉल्यूम में फैलती है, तो टेम्परेचर वहां पर क्या होता है? डाउन हो जाता है, डाउन हो जाता है। अपने को टेम्परेचर डाउन होने नहीं देना, तो जितना वॉल्यूम बढ़े उसी हिसाब से हीट क्या उसके अंदर ऐड होती रहे, ताकि उसका टेम्परेचर क्या हो। तो आइसोथर्मल एक्सपेंशन में क्या होगा? हीट ऐड होगी, वॉल्यूम बढ़ेगा, टेम्परेचर चेंज, ये चीजें ध्यान रखना। एक्सपेंशन कर रहा हूं तो प्रेशर क्या होगा? कम होगा, वॉल्यूम क्या होगा? बढ़ेगा। तो भैया हमने किया एक्सपेंशन आइसोथर्मल, तो ये यहां से यहां तक आएगा, नया प्रेशर आएगा P2। कौन बड़ा होगा, P1 या P2? हर्ष हर्ष जी का विच वन इज ग्रेटर, P1 और P2? P1 इज ग्रेटर, क्योंकि हमें क्या हुआ, एक्सपेंशन हुआ। यहां पर वॉल्यूम क्या होगा? V2, लेकिन टेम्परेचर क्या रहेगा? यहां पर टेम्परेचर क्या रहेगा? यहां पे T1 ही रहेगा, क्योंकि टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आ रहा, क्योंकि आइसोथर्मल एक्सपेंशन हो रहा है। क्या हो रहा है? आइसो एक्सपेंशन, आइसो। देखो सारी चीज रिवाइज हो रही है। अब देखिए, अब मैं करूंगा एडियाबैटिक एक्सपेंशन, क्या करूंगा? अच्छा हाँ, देखिए जब मैं आइसोथर्मल एक्सपेंशन कर रहा था तो मैंने इस इंसुलेटिंग पैड को नीचे से हटा दिया था। क्यों हटाया था? कोई बताएगा मुझे? तू बता बे, क्यों बताया था? मैं जब आइसोथर्मल एक्सपेंशन कर रहा था तो ये जो नीचे इंसुलेटिंग पैड लगा हुआ, जो उसके बेस के नीचे है, उसको हटा दिया था और सोर्स के कॉन्टेक्ट में लाके रख दिया था। क्यों? दिमाग लगा। मैं कह रहा हूं जब मैं एक्सपेंशन कर रहा था, आइसोथर्मल एक्सपेंशन कर रहा था, तो मैंने दो काम किए थे। एक तो इस सिलेंडर को यहां पर रख दिया था, कहां पे? सोर्स में। और दूसरा इसके नीचे से आपका पैड हटा दिया था। क्यों बता? हाँ हाँ क्यों? मैंने कहा कि मैं सोर्स में नहीं रख दिया था, सोर्स में क्यों रखा था? आ जाओ। हाँ, और क्या, तब से पूछा। तो बैठ 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 या उधर बैठ ना, उधर तो बता दे। जाएगा। हाँ बिल्कुल, क्योंकि आपको पता है एक्सपेंशन हो रहा है, एक्सपेंशन में टेम्परेचर कम होने की संभावना है, इसलिए हमें आइसोथर्मल रखने के लिए अंदर हीट जानी चाहिए। तो इसलिए हीट कहाँ से ली जाती है? सोर्स से। पैड इसलिए हटा दिया ताकि बेस कंडक्टिंग हो जाए और हीट को ले सके। समझा? तू समझा ना? तू नहीं समझा। अब मैं कह रहा हूं एडियाबेटिक एक्सपेंशन, क्या कर रहा हूं? अब बता क्या होगा? अच्छा अब तो करना क्या है मुझे, मैं तो ये डायग्राम से बताना मुझे। एडियाबेटिक एक्सपेंशन कर रहा हूं मैं, क्या करूंगा मैं? आ जाओ जल्दी आओ। प्यार प्यार बरकरार रहे तो ज्यादा अच्छा लगता है ना। चल बैठ गया, लाइन में बैठ, ला इधर आ जा, ये भी तेरी इच्छा। यही बैठे, यही बैठे बेटा, जाएगा। पिटल्लुओं की लाइन में। आप बताओ क्या होगा, किस पे रखेंगे? सर पे?
कंडक्टिंग बेस पे। फिर सोर्सिंग का कोई मतलब है यहाँ पे? सोर्सिंग का कुछ काम है यहाँ पे? बिल्कुल भैया, देखो बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया जवाब दिया। यहाँ पे पहली बात तो सोर्सिंग का कोई काम नहीं, क्योंकि ना तो हीट लेनी है ना हीट देनी है, सोर्सिंग दिया भाड़ में। अब मुझे क्या करना है, नॉन हीट का लेन देन नहीं करना। हीट का लेन देन कहाँ से हो रहा है? बेस से हो रहा है। कहाँ से हो रहा है? बेस को क्या करो, नॉन कंडक्टिंग बना दो, इंसुलेटिंग प्लेट को उसके नीचे रख दो। अब मैं कह रहा हूँ एडियाबैटिक एक्सपेंशन। एडियाबैटिक एक्सपेंशन में क्या होता है, वॉल्यूम बढ़ता है, बराबर है बात? अब एक्सपेंशन में शुगर वॉल्यूम बढ़ेगा, क्या सोच रहा है करके? एक्सपेंशन में वॉल्यूम क्या होगा? बढ़ेगा। हीट सेम रहेगी, टेम्परेचर क्या होगा आदित्य? टेम्परेचर बढ़ेगा। अच्छा, एक्सपेंशन, एक्सपेंशन में वही हीट रहेगी, वॉल्यूम बढ़ गया है, टेम्परेचर क्या होगा? डाउन हो जाएगा। यार मैं मान नहीं चाहता, मैं दिल पे पत्थर रखता, मेरे को दर्द होता है दिल पे भाई। चल बैठ, यहाँ पे बैठ, यहाँ पे साला, तुम्हें आप सब तुम ही से पूछूंगा फिर, जाओ। ठीक है, तो क्या हुआ, हम कर रहे हैं एडियाबैटिक एक्सपेंशन, वॉल्यूम बढ़ा, हीट सेम, टेम्परेचर क्या होगा? डाउन हो जाएगा, क्योंकि एक्सपेंशन में हीट उतनी है, वॉल्यूम बढ़ गया, हीट उतनी है तो टेम्परेचर क्या होगा? गिर जाएगा। स्लोप क्या होगा इसका? ये लाइन जो आ रही है ना, जिस एंगल से आ रही है उसे स्लोप कहते हैं। इसका स्लोप क्या होगा साक्षी? जो अप ग्राफ बना हुआ है इसी लाइन में चलेगा या इससे ज्यादा स्लोप हो जाएगा? नहीं, इसी लाइन में नहीं चलेगा गुड़िया, स्लोप बढ़ जाता है एडियाबैटिक का, मैंने आपको बताया था। एडियाबैटिक कर्व का जो प्रोसेस होता है उसमें जो पीवी डायग्राम आता है उसमें मैंने बताया था स्लोप क्या होता है, आइसो से ज्यादा होता है, गामा टाइम ज्यादा होता है, ज्यादा है। तो ये ग्राफ ऐसे आएगा, एक्सपेंशन हो रहा है तो प्रेशर क्या होगा? बदल जाएगा। वॉल्यूम भी क्या होगा? बदल जाएगा। टेम्परेचर क्या होगा? बदल जाएगा, क्योंकि तो एडियाबैटिक है। टी टू पे आ जाओ, ये क्या है, एडिया एक्सपेंशन। ठीक है भैया, समझ गया? ई एक्स पी मतलब एक्सपेंशन समझना, एक्सपेरिमेंट मतलब समझना। ठीक, अब हम जा रहे हैं भैया, हमने एक्सपेंशन कर लिया, दो प्रोसेस अपने पास। ठीक है, अब हम कर रहे हैं आइसोथर्मल कंप्रेशन। क्या कर रहे हैं? आइसोथर्मल कंप्रेशन के लिए है, बताओ भाई सारी कंडीशन। अनुज क्या चीज, क्या कंडीशन बता? वॉल्यूम घटेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा। आ जाओ आइस, ना ना ना, आ जा आ जा, बा बा, टेम्परेचर कॉन्स्टेंट कांस्टेंट रहेगा, रुक जाए फिर भी, हीट हीट लॉस होगा। अब जब वॉल्यूम कम होगा, अगर हीट नहीं लॉस करेगी तो वॉल्यूम कम होने की वजह से उतनी हीट क्या करेगी, टेम्परेचर इंक्रीज कर देगी। हमें आइसोथर्मल करना है। अब ये क्या होगा, ग्राफ ऊपर जाएगा। मैं आइसो कर रहा हूं तो इसलिए ग्राफ ज्यादा स्टीफन नहीं रहेगा, स्लोप ऐसे रहेगा। ये क्या है, आइसो कंप्रेशन। ठीक है, उसके बाद अब जिस पॉइंट पर आया वहां पर प्रेशर क्या हो गया भैया, पी थ्री पर पी फोर, वॉल्यूम वी फोर, टेम्परेचर टी टू ही रहेगा क्योंकि मैं आइसो कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं? आइसो। ठीक है, उसके बाद बोल बे मीठे, एडियाबैटिक कंप्रेशन, आइसो एडियाबैटिक कंप्रेशन कर रहा हूं, अब बता क्या होगा? एडियाबैटिक कंप्रेशन कर रहा हूं, बढ़ेगा, अभी मैंने बोला एडियाबैटिक कंप्रेशन कर रहा हूं, वॉल्यूम बढ़ेगा, फिर क्या होगा? ऑपरेशन का पहले हाँ, वॉल्यूम भी बढ़ेगा, प्रेशर तो तुम बताना क्या होगा। वॉल्यूम कॉन्स्टेंट है, कंप्रेशन गॉस आ जा आ जा आ जा, कंप्रेशन कर रहा, इतना प्यार करता हूँ तुझसे मैं, और ऐसे ऐसे करता है। चल साढ़े बैठ, लाइन में बैठ, चल लाइन में बैठ, जगह है तो नीचे बैठे ना, ऐसे करके ऐसे जेल में बैठते हैं। चलो भैया आप बता, अंकित भाई बताने, बैठिए होता, बैठिए होता, बैठिए होता, बैठ के होता, क्या होगा कंप्रेशन में, एडियाबेटिक कंप्रेशन में? वॉल्यूम हीट एडियाबेटिक में तो बढ़ेगा, बढ़ेगा। आ जा आ जा, ना 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 ना, नहीं नहीं, अब नहीं, हम नहीं मानेंगे,
अभी देख कितना प्यार करता हूँ, मुझे मारने में कितना दुख हो रहा है। हाँ बंटी भाई बता, अरे वही बैठना, अबे अभी दोबारा मारूंगा ना तुमको, क्लास खत्म होने के बाद दोबारा मारूंगा मैं। हाँ अब वो तुमने गलत जवाब दिया ना सर, एडियाबेटिक कंप्रेशन में क्या हो, क्या होगा, वॉल्यूम टेम्परेचर, तुझसे पूछा अकड़ो बोल क्यों बढ़ेगा, हीट आ जा आ जा आ जा, हीट तो कांस्टेंट, अबे एक बार खा लेना, लगी नहीं थे तो। प्रभात भाई वॉल्यूम टेम्परेचर बढ़ेगा क्यों, और हीट उतनी है, बहुत बढ़िया आंसर है, ठीक है। हीट टेम्परेचर होगी ना, हीट क्या रहेगी, कांस्टेंट हीट क्या रहेगी, इसका स्लोप क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा, स्टीफर रहेगा, ये कितना टाइम्स, गामा टाइम, पहुंच गया ना वहीं पे, ये है एडिया कंप्रेशन। हे भैया समझ गए, ये साइक्लिक प्रोसेस है, यहां पर वर्क कितना हुआ, यहां पर हीट को एब्जॉर्ब किया गया इसलिए प्लस क्यू वन लिख रहा हूं मैं, यहां पर हीट को रिलीज किया गया तो माइनस क्यू टू लिख रहा हूं, क्या लिख रहा हूं, इस दौरान में कोई हीट का लेन देन नहीं हुआ ना यहाँ पे ना यहाँ पे, तो मैं यहाँ पर कुछ नहीं लगा रहा, ना प्लस ना माइनस, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। चलो भैया अब मैं डेरिवेशन पे आता हूँ, समझ गया, किसी को दिक्कत तो नहीं है, उस पॉइंट पर आ गया मैं, ठीक है। स्टेप फर्स्ट, स्टेप फर्स्ट मैं क्या कर रहा था, सबसे पहले मैंने क्या किया था, आइसो थर्मल, आइसो एक्सपेंशन, आइसो एक्सपेंशन किया था मैंने। टेम्परेचर क्या है भैया, टी वन, टेम्परेचर क्या है, टी वन, और हाँ ये ध्यान रखना, अरे यार एक बात और ध्यान रखना कि जब मैं कंप्रेशन कर रहा था ना, तो एक चीज मैंने बता भूल गया था, कंप्रेस करते वक्त एडियाबेटिक कंप्रेशन, नहीं एडिया, आइसो कंप्रेशन, आइसो जब कंप्रेशन कर रहा था तो मैंने सिस्टम को कहाँ रखा था, सिंक में, क्योंकि आइसो कंप्रेशन में हीट बाहर निकलेगी, कहाँ निकलेगी, सिंक में निकलती है, ठीक है। तो टेम्परेचर क्या रखना है, टी वन, ठीक है, मेरे को प्रेशर पी वन से क्या ले आना है, पी टू, पी वन से कहाँ जाएगा, पी टू, वॉल्यूम वी वन से वी टू, टेम्परेचर टी वन से टी वन ही रहेगा, चेंज नहीं होगा, टी टू कौन बोल रहा है, आवाज तो आपकी थी, मेरी आंखें भाई, मेरा कान बहुत तेज, दिक्कत यही है मेरे से, मैं 50 लोगों में किसी पर्टिकुलर आवाज को पहचान जाता हूँ बहुत ज्यादा, बोला है आपको याद नहीं होगा, ठीक है। और यहां पर क्या होगा, हीट लॉस होगा इन सोर्स, क्या होगा, इन सोर्स, बेस को क्या रखना, मुझे कंडक्टिंग, कैसे रखना है, कंडक्टिंग, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, रिमूव दी पैड, पैड को हमें क्या रखना भैया, रिमूव कर देना, कोई दिक्कत तो नहीं है, वर्क डब्ल्यू वन वर्क निकाल रहा हूं मैं, और आपको बता दूं वर्क उतना ही होता है जितनी हीट आती है, क्योंकि यहां पर हीट जितनी आ रही है उससे एक्सपेंशन हो रहा है, टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा, वो कैसे निकलेगी, वी वन वॉल्यूम से वी टू, प्रेशर पी डी वी, याद है, और आपको पता है पीवी इक्वल्स में क्या होता है, के, तो P क्या होगा, K अपॉन में क्या हो जाएगा, V हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे P की वैल्यू K, K अपॉन में V, K को बाहर निकाल दीजिए तो क्या होगा, dV अपॉन में V, V1 से लेके V2, K ये क्या होगा, ln V हो जाएगा, याद है ना, dV अपॉन में V, ये V1 वॉल्यूम और ये क्या हो गया, V2 वॉल्यूम, K ln, देखिए लिमिट लगी है तो ln V2 माइनस ln V1, log A माइनस log B का फॉर्मूला क्या होता है, ln V2 अपॉन में V1, ठीक है। अभी अपने को पता है K की वैल्यू क्या होती है, एन आर टी वन हो जाएगा, टी वन क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि टेम्परेचर आपका क्या है इसमें प्रोसेस में, टी वन है, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका K की वैल्यू, और एल एन को हमने लॉग में भी कन्वर्ट करना, तो इसलिए 2.303 एन आर टी वन
लॉग वी टू अपॉन वी वन, कोई दिक्कत तो नहीं भैया? स्टेप थर्ड, स्टेप और सॉरी स्टेप थर्ड कहां से आ रहा हूं, स्टेप सेकंड, स्टेप सेकंड में एडिया एडिया एक्सपेंशन क्या कर रहे हैं, एडिया एक्सपेंशन कर रहे हैं। टेम्परेचर अपना क्या है भैया, चेंज ही होगा, इंक्रीज होगा। टेम्परेचर क्या होगा यहाँ पर, इंक्रीज और सॉरी डिक्रीज होगा ना, टेम्परेचर डिक्रीज होता है, एक्सपेंशन कर रहे हैं ना, हीट हीट तो आ नहीं सकती, उल्टा फैल रही है, टेम्परेचर क्या होगा, कम हो जाएगा। प्रेशर क्या आएगा, पी टू से पी थ्री, वॉल्यूम बी टू से टेम्परेचर टी क्या होगा, डिक्रीज करेगा, ड्यू टू हीट क्या है भैया, कॉन्स्टेंट, और वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम क्या है, इंक्रीजिंग नेचर का, तो इस वजह से हीट कॉन्स्टेंट है और वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है, तो आपका टेम्परेचर क्या होता है, डाउन कर जाता है, ठीक है, और टेम्परेचर क्या हो जाएगा टी टू, और टी वन से टी टू, यहां से मिटा देता हूँ, टी वन से क्या, ये क्या था, वी टू था ना, टी वन से क्या हो गया टेम्परेचर, यहाँ पे टी टू हो गया, ठीक है, और डिक्रीज कर रहा है, ठीक है टेम्परेचर, और हीट क्या है, कॉन्स्टेंट है, वो लिख रखा है कह रहे हैं। अब ये मुझे ये प्रोसेस करने के लिए क्या चाहिए, कि मैं बेस को, अरे यार क्या लिया है, बेस के नीचे क्या रख दूं, कंडक्ट नॉन कंडक्टिंग पैड, पुट दी पैड, पुट दी नॉन कंडक्टिंग पैड, कंडक्टिंग पैड बिलो दी कंडक्टिंग कंडक्टिंग बेस, छी, कंडक्टिंग बेस के नीचे, ठीक है, ये रख दिया। अब हीट का लेन देन नहीं होगा, वर्क डन निकालना है, डब्ल्यू टू एक्सपेंशन कर रहे हैं तो वर्क अभी भी क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा, पी डी वी, वॉल्यूम कहां से कहां पे चेंज कर रहे हैं, वी टू से वी थ्री, अपने को पता है भैया पी वी गामा इक्वल्स में क्या होगा, के, क्यों लिखा है ये, क्योंकि हम एडियाबेटिक प्रोसेस कर रहे हैं, एडियाबेटिक में पी वी गामा इक्वल्स में के होता है, पी की वैल्यू क्या होगी, के अपॉन में वी की पावर गामा, और इसको लिख दो के वी की पावर माइनस गामा, ठीक है भाई, ये हो गया। अच्छा डब्ल्यू टू किसके बराबर आएगा, के बाहर आ गया, वी की पावर गामा का इंटीग्रेशन करोगे अगर, तो वी की पावर माइनस गामा प्लस वन, माइनस गामा प्लस वन, और लिमिट लग गई आपकी वी टू से लेके वी थ्री, ठीक है भाई, तो हे यार जल्दी करो इसे, के एक बारी क्या होगा, वी थ्री की पावर वन माइनस गामा हो जाएगा, तो मैंने अरेंज कर लिया, वन को आगे गामा को पीछे, ऐसे क्या होगा, वी टू की पावर वन माइनस गामा, ठीक है, नीचे क्या होगा, वन माइनस गामा, ठीक है भाई। अब के की मल्टीप्लाई करोगे तो के वी थ्री वन माइनस गामा, के वी टू वन माइनस गामा अपॉन में वन माइनस गामा, इसको अगर के की वैल्यू रखूंगा तो आपको पता है के क्या होता है, याद है एडियाबैटिक में, एडियाबैटिक में के की वैल्यू क्या होती है, पी टू वी टू गामा, पी थ्री गामा, याद है, तो जहां पर टू है वहां पर टू रखो, यहां थ्री है थ्री रखो, जाएगा डब्ल्यू टू क्या जाएगा, डब्ल्यू टू इक्वल्स टू में ये हो जाएगा इस के की वैल्यू, ये देखिए यहाँ पे थ्री है ना, तो ये वाली वैल्यू रखोगे के की, तो उसको सॉल्व करो तो क्या होगा, पी थ्री वी थ्री हो जाएगा, और यहाँ पर रखोगे, यहाँ पे टू है तो यहाँ पे के रखोगे तो क्या होगा, पी टू वी टू हो जाएगा अपॉन में वन माइनस गामा। आपको पता है भैया पी वी इक्वल्स टू में क्या होता है, एन आर टी होता है, क्या होता है, अपने को पता है जब तीसरे पॉइंट पर टेम्परेचर क्या हो गया था, टी टू, तीसरे पॉइंट पर टेम्परेचर देखो तो तीसरा जो पॉइंट था वहां पे टेम्परेचर क्या हो चुका है, ठीक है, तो ये क्या लिखोगे, पीवी क्या, एन आर टी टू माइनस एन आर टी वन, वी इस वाले पॉइंट के लिए, समझ गया, अपॉन में वन माइनस गामा, तो एन आर कॉमन ले लीजिए, टी टू माइनस टी वन अपॉन में वन माइनस गामा, दैट इज द वर्क डन इन एक्सपेंशन, एडियाबेटिक एक्सपेंशन, ठीक है भैया। उसके बाद फिर करने आ रहा हूं स्टेप, स्टेप थर्ड, स्टेप थर्ड में क्या करेंगे, आइसो कंप्रेशन, आइसो कंप्रेशन करना है, कंप्रेशन करना, आइसो करना मतलब बेस नहीं होना चाहिए, बेस के नीचे कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग पैड नहीं होना चाहिए। प्रेशर क्या लेंगे, पी थ्री से पी फोर, वॉल्यूम वी थ्री से वी फोर, टेम्परेचर टी टू से टी टू ही रहेगा क्योंकि आइसो है ना, और एक्सपेंशन हो रहा है क्या, कंप्रेशन हो रहा है, तो हीट क्या होगी, लॉस होगा, हीट का क्या होगा, लॉस
कितना लॉस हुआ? तो माइनस क्यू टू लॉस हुआ, कितना लॉस हुआ? माइनस क्यू टू का लॉस हुआ है, ठीक है, माइनस लगा रखा है, हीट लॉस होगा माइनस क्यू टू, ठीक है। और यार और कुछ तो बाकी नहीं। हाँ, अब रिमूव द नॉन कंडक्टिंग पैड सो दैट बेस बिकम कंडक्टिंग एंड इट कैन लूज हीट, एक्स्ट्रा हीट, एक्स्ट्रा, ताकि वो एक्स्ट्रा हीट को क्या करे, लूज कर सके और टेम्परेचर क्या रहे, कांस्टेंट बना रहे। समझ गया भैया, ये हो गया। अब देखिए वर्क निकालना, डब्ल्यू थ्री, और डब्ल्यू थ्री क्या होगा, नेगेटिव वर्क आएगा, रीजन क्या, वो किसके बराबर होगा, माइनस क्यू टू के, लॉस हुआ ना। अब ये वर्क कैसे निकलेगा, पी डी वी, वॉल्यूम कहां से कहां पे चेंज किया आपने, वी थ्री से वी फोर किया, ठीक है, पूरा सॉल्व करोगे तो आपका ये आएगा 2.303 एन आर टी टू हो गया टेम्परेचर, ठीक है, लॉग वी फोर अपॉन में वी थ्री हो जाएगा। समझ गया भैया, पूरा सॉल्व करोगे जैसे मैंने सॉल्व कर रखा है वैसे सॉल्व करना, तो यहाँ पर ये हो जाएगा टी टू की लिखा, क्योंकि टेम्परेचर क्या है भैया, टी टू है पूरे प्रोसेस में। फिर क्या है, स्टेप फोर, एडियाबैटिक बैटिक कंप्रेशन, एडियाबैटिक प्रेशर क्या होगा, पी फोर से पी वन, वॉल्यूम वी फोर से वी वन, टेम्परेचर टी टू से टी वन, क्या होगा, वॉल्यूम डिक्रीज हुआ, आपको पता ना क्या क्या हो रहा है, कौन ज्यादा कौन कम है तो पता ना कंप्रेशन एक्सपेंशन में, ठीक है, हीट क्या होगी, कांस्टेंट, अब एडियाबैटिक है ना, हीट कांस्टेंट रहेगी, और टेम्परेचर क्या होगा, टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज करेगा, क्या करेगा, क्योंकि तो वॉल्यूम कम हो रहा है, हीट चेंज नहीं हो सकती, ठीक है। इसके लिए हमें क्या करना, पुट दी नॉन कंडक्टिंग पैड, नॉन कंडक्टिंग पैड बिलो दी कंडक्टिंग बेस सो दैट बेस बिकम कंडक्टिंग इन नेचर एंड इट कैन, क्या है, मैं आइडिया कर रहा हूं ना, पुट द, हाँ, सो दैट बेस बिकम बिलो दी, अरे यार सही तो है, नहीं, वो नीचे गलत लिख दिया था ना, कंडक्टिंग, पुट द नॉन कंडक्टिंग पैड बिलो दी कंडक्टिंग बेस सो दैट बेस बिकम नॉन कंडक्टिंग, नॉन कंडक्टिंग हो जाएगा, और हीट क्या रहेगी, कांस्टेंट, क्या रहेगी, वर्क निकालना, क्या निकाल रहे हैं, डब्ल्यू फोर, डब्ल्यू फोर क्या होगा, इसमें हीट का कोई लेन देन नहीं है, तो इसलिए क्या, वॉल्यूम वी फोर से हमने क्या किया यहाँ पर, वी वन, पी वी, पी डी वी, है ना, इसको पूरा सॉल्व करोगे तो आपका आने वाला है, ठीक है, ये आएगा आपका एन आर, पीछे क्या आया था, ये रहा, कहाँ गया भाई, पीछे वाला, पीछे ये आया था ना आपका टी टू माइनस टी वन, जब आप टी वन से कहाँ पे गए थे, टी टू पे, अब आप टी टू से कहाँ जा रहे हो, तो ये क्या होगा, टी वन माइनस टी टू अपॉन में वन माइनस गामा, इसको अगर लिखोगे तो क्या होगा, माइनस कॉमन ले लीजिए, तो एन आर टी टू माइनस टी वन अपॉन में वन माइनस गामा, कोई दिक्कत तो नहीं है, टोटल वर्डन, ये अब अलग कलर से लिखता हूँ ना, अच्छा लगेगा, टोटल तेरे पसंदीदा कलर से लिख रहा हूँ, टोटल वर्क डन इन साइक्लिक प्रोसेस, प्रोसेस क्या होगा भैया, डब्ल्यू वन प्लस प्लस डब्ल्यू थ्री प्लस डब्ल्यू फोर, डब्ल्यू वन की वैल्यू क्या रखी है, क्यू वन के बराबर प्लस क्यू वन के बराबर, है ना, डब्ल्यू टू की वैल्यू क्या रखी है, एन आर, वो आप डब्ल्यू क्यू वन की वैल्यू, क्यू वन की वैल्यू तो आपको पता ही है ना, ये रही कहाँ, ये रहा है ना, और ये क्या, एन आर टी टी टू माइनस टी वन,
अपॉन में वन माइनस गामा, डब्ल्यू थ्री में क्या था, माइनस क्यू टू हो गया था, हीट लॉस हुआ था, वो वर्क उसी के बराबर होगा डब्ल्यू फोर की वैल्यू, है ना। और ये किसके बराबर था, माइनस एन आर टी टू माइनस टी वन अपॉन में वन माइनस गामा, ये दोनों क्या हो कट मर गए, तो टोटल बर्डन क्या है क्यू वन माइनस क्यू टू के बराबर आया, यानी नेट नेट हीट एक्सचेंज, नेट हीट एक्सचेंज के बराबर आया, जितना हीट का एक्सचेंज, मान लीजिए 50 जूल उसने एब्जॉर्ब की थी, 10 जूल उसने रिलीज कर दी, कुल वर्क कितना हुआ पूरे साइक्लिक उसमें 40, समझ गया भैया, समझ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है, ये खत्म हो गया पूरा का पूरा। मैं देखिए इसके आगे भी है, ये एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन वगैरह वगैरह वो सब तो आउट ऑफ सिलेबस हो जाए ना, ये भी आउट ऑफ सिलेबस है, लेकिन मैंने इसको इसलिए पूरा कराया ताकि आपको सारी चीजें फिर दोबारा से रिवाइज हुआ, क्योंकि ये जो मैं डेरिवेशन मैंने कराई है इसमें जो पार्ट्स है वो सिलेबस के अंदर है पूरा हर एक चीज, ठीक है, तो सारी चीजों को इससे रिवाइज हो गया आपका, ठीक है, फटाफट इसको कॉपी करो अभी, जस्ट टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत।